चित्तवग्गो की छठवीं गाथा है, अनवठित चित्तस्य सद्धम्मम् अभिजानतो परिप्लव प्रसादस्य पय्या न परिपूरति। अनिवठित चित्तस्य अनवस्थित चित्तस्य स्थिर न रहने वाला मन, ऐसा चित्त जो स्थिर नहीं होता, सद्धम्मम सच्चे धर्म को अभिजानतो नहीं जानता, परिप्लव प्रसादस्य प्रकंपित डगमगाई प्रसन्नता प्रसादस्य, परिप्लव स्थिर नहीं है, वो भी डगमगा डामाडोल है, प्रकंपित डगमगाई प्रसन्नता एवं डामाडोल श्रद्धा वाले की पय्या प्रज्ञा बुद्धि ज्ञान न परिपूरति, नहीं होता परिपूर्ण। ज्ञान किसका पूरा नहीं होता, ऐसा तो लगता है कि हमें ज्ञान हो गया, लेकिन जिस ज्ञान की बात कह रहे हैं तथागत बुद्ध यहाँ पर परिपूरति परिपूर्णता वो स्थित, जिसका चित्त स्थिर नहीं है, जो सद्धर्म को नहीं जानता और जिसकी श्रद्धा डगमग है उसका ज्ञान परिपूर्ण नहीं होता। चित्त स्थिर नहीं, जहाँ है वहाँ नहीं रहता। सद्गुरु कबीर ने कहा, तन मन एकै होय रहे तब हंस कबीर कहाए। जहाँ तन हो वहाँ मन हो जाए, तन यहाँ है मन कहीं और है, यही तो अस्थिरता की निशानी है। मैंने कल कहा था, मन का कहीं होना ये गलत भी नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं आप साधना काल में तो रह सकते हैं, लेकिन बाकी समय तो मन सोचेगा। और मैंने कहा, अतीत की याद करेगा, भविष्य की कल्पना करेगा, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन जहाँ शरीर हो वहां रहना ये क्या है? हंस कबीर की दशा है, पूर्णता की दशा है। मन न अतीत का स्मरण कर रहा है न भविष्य की कल्पना कर रहा है, इसका मतलब वर्तमान में है। और इसी प्रकार साधना की तो बातें कही जाती है, भूत भविष्य देहु भाई वर्तमान में बरतो भाई, बीत गया सो सपना है, बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें वर्तमान समय अपना है। जब भी साधना में बैठें तो ध्यान क्या रखना है, सजगता किस बात की होनी चाहिए, हम जहाँ हैं वहीं रहें। और इसीलिए प्रारंभ में जो श्वास की बात कही जाती है कि श्वास को देखो, अब श्वास तो आप वर्तमान में ही ले रहे हैं, शरीर वर्तमान में है, सांस भी आप वर्तमान में लेते हैं, तो मन जो अतीत और भविष्य में जा रहा है, यदि उसे श्वास में लगा दिया गया तो फिर वर्तमान में आ गया, और जहां शरीर है वहीं आ गया। तो साधना की प्रारंभिक अवस्था यही है, जिसका चित्त स्थिर नहीं है, अर्थात शरीर सत्संग में है और मन सांसारिकता में है, शरीर साधुओं के पास और मन संसारियों में, वह साधना मार्ग में सफल नहीं हो सकता। संतों के संग रहे भी, लेकिन गृहस्थों का ऐश्वर्य
उनकी चमक दमक को देख करके मन आकर्षित हो रहा हो तो फिर साधना में सफलता नहीं मिलेगी। उधर से तो पूरी तरह से न्यूट्रल होना है, उधर से तो पूरी तरह से मोड़ लेना है। किसी का ऐश्वर्य हमें आकर्षित न करे। साधक का लक्षण है कि वह कहीं आकर्षित न हो। यदि वह सच्चे धर्म को नहीं जानता तो उसकी असफलता पक्की है। सच्चा धर्म क्या है? मन इंद्रियों का नियंत्रण और दूसरे के लिए अहिंसा का भाव। मन इंद्रियों का संयम कर ले और दूसरे के प्रति तकलीफ न देने का भाव। सद्गुरु विशाल देव ने क्या कहा? दुख देने के भाव को दिल से देह निकार। देना तो बहुत दूर की बात है दुख। अब दुख देना चाहे वचन से दे रहे हो चाहे आप शरीर से दे रहे हो, वचन से तकलीफ देना कम नहीं है, वो भी हिंसा है। सद्गुरु कबीर ने जो कहा कि साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, हते पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। जीभ में तलवार बांध करके हिंसा कर रहे हो, पता तो नहीं चल रहा है कि किसी को मार रहे हो, लेकिन जीभ के द्वारा अर्थात ऐसे शब्दों का प्रहार, ऐसे कटु कुठार, ऐसे दुख देने वाले वचन कह रहे हैं जिससे लोगों को पीड़ा हो रही है। तो फिर ये सच्चा धर्म नहीं है। सच्चा धर्म तथागत बुद्ध क्या कहते हैं? यदि वह सच्चे धर्म को नहीं जानता, नहीं जानता का मतलब उसका आचरण नहीं करता। देखो जानना तो बिल्कुल अलग चीज है, हम व्याख्या तो कर देते हैं, लिखना होगा तो बड़ी व्यवस्थित रूप से हम लिख डालेंगे, कह देंगे लोगों को, लेकिन जब रियल लाइफ में होगा तो फिर कुछ और हो जाता है। इसीलिए यहां कहते हैं कि जो नहीं जानता, और इसलिए गुरुदेव जी यहां पर उसकी व्याख्या में लिखते हैं अपने मन इंद्रियों पर नियंत्रण और दूसरे के प्रति अहिंसा का भाव। अहिंसा का भाव इतना ही नहीं, अहिंसा का अर्थ हुआ मन वचन कर्म से किसी को दुख न दे। लेकिन इसके अलावा और थोड़ा से आगे उसके मन में करुणा हो, मैत्री हो, उनके मन में प्रेम हो, ये थोड़ा आगे बढ़ करके। और ये जब होने लग जाएंगे, जिसके मन में प्रेम मैत्री करुणा क्षमता का भाव आएगा, धीरे धीरे उसी अनुपात में हिंसा का भाव कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। जिसके प्रति मन में मैत्री का भाव है, प्रेम का भाव है, करुणा का भाव है, उसको तकलीफ देने का भाव नहीं जगेगा। इसके अभाव में ही ऐसा होता है, सद्गुणों के अभाव में ही दुर्गुणों का जागरण होता है। मन में जब प्रेम और मैत्री नहीं है तभी तो हिंसा और द्वेष और क्रोध है। इसलिए जो सच्चे धर्म को नहीं जानता तो उसकी सफलता असफलता पक्की है। यदि इस बात पर विश्वास नहीं है तो असफलता निश्चित है। और यदि उसके मन का प्रसाद परिप्लव प्रकंपित एवं डगमग है, परिप्लव प्रसादस्य, प्रसाद प्रसन्नता पवित्रता, प्रसाद प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, प्रसन्नता श्रद्धा से होती है, श्रद्धा डगमग होने से प्रसन्नता खोती चली जाती है। जहां अस्थिरता है, धर्म में अविश्वास है, श्रद्धा डावाडोल है, गुरुदेव जी कहते हैं वहां चारों फुट से नाव डूबी समझो, हर रूप से पतन निश्चित है, उसकी प्रज्ञा उसका ज्ञान अपूर्ण ही रहेगा। जिसका चित्त स्थिर नहीं है,
जो सद्धर्म को नहीं जानता और जिसकी श्रद्धा डगमग है उसका ज्ञान परिपूर्ण नहीं होता, ज्ञान में स्थिति नहीं हो सकती। अनवसुचित्तस्य अननवाहत चेतसो पुण्य पाप पहिणस्य नत्थि जाग्रतो भयम्। जिस अनवसुचित्तस्य आश्रव रहित चित्त आश्रव झरना, वो क्या है? विकारों का, राग द्वेष मल विहीन मन, आश्रव रहित चित्त, अननवाहत चेतसो आहत रहित चित्त, अकंप स्थिर मन। आहत चोट खाया हुआ न हो, ऐसा न लगे कि किसी ने हमको चोट पहुंचाई है, किसी ने कटु कहा, किसी ने गाली दी। ये जितनी ये सारी बातें याद आएंगी तो आप चोट खाए हुए हो, आहत है, आहत चित्त का लक्षण है। और हम सभी किसी न किसी रूप में आहत हैं, और जितनी बार उसकी याद करते हैं वो और गहराई में उतरते चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर तथागत बुद्ध कहते हैं आश्रव रहित चित्त, राग द्वेष मल विहीन मन, अकंप स्थिर मन, पुण्य पाप पहिणस्य पाप पुण्य को छोड़ देने वाला, पहिणस्य छोड़ देने वाला, और जाग्रत सावधान को, नत्थि भयम् भय नहीं होता। निर्भयता की स्थिति कब आएगी, कैसे आएगी, वो उपाय यहाँ पर तथागत बुद्ध बताते हैं। जिसका मन मैला है वह भयभीत रहता है, निर्मल मन वाला निर्भय रहता है। जिसका मन नाना आसक्तियों के कारण कांपता रहता है, प्रकंपित, जहां आसक्ति होगी वहां पर कुछ भी छूटने की, परिवर्तित होने का ये भय बना रहेगा। ये पता हो कि ये तो छूटने वाली चीजें ही है, काहे का मोह जोड़ने का मन को, तो निर्भय हो जाएगा, फिर कांपेगा नहीं। वह भयभीत रहता है जो आसक्त रहता है, किंतु जिसने मोह छोड़ दिया वह निर्भय हो गया। यहां पर बात आई है पुण्य पाप पहिणस्य, पाप और पुण्य को छोड़ दिया, पाप को तो छोड़ दिया, पुण्य को भी छोड़ दिया। पाप को, पाप कर्मी तो भयभीत रहता ही है, पुण्य कर्मी भी भयभीत रहता है, सुख के वियोग की भावना से भयभीत रहता है। वो पुण्य किस लिए कर रहा है, कि कहीं अलग सुख मिलेगा, या जो कुछ प्राप्त है वह बिछुड़ न जाए। पुण्य तो कर रहा है लेकिन मन में क्या है, सुख के वियोग की भावना, क्योंकि वो सुख, वो शाश्वत सुख की उपलब्धि नहीं हुई है, और उसको क्या मान रहा है, कि कहीं देवलोक में कहीं ईश्वर हो, कोई अलग है जिनसे मिलकर के सुख मिलने वाली बात है, और उसके लिए पुण्य तो कर रहा है, देखने में तो पुण्य लग रहा है, लेकिन वह निर्भय नहीं हुआ है। लेकिन निर्भय कौन होता है, जाग्रतो नत्थि जाग्रतो भयम्। सहज कर्म करता है, पाप को तो छोड़ ही देता है, लेकिन किसी लालसावश वह पुण्य करता है नहीं, सहज करता है, और उसका सहज कर्म ही पुण्य होता चला जाता है, और वह निर्भय होता है। जो जाग्रत है, सावधान है, मोह से परे है, उस व्यक्ति को लेकर, उस व्यक्ति को क्या लेकर भय होगा, वो निर्भय होता है, कोई उनको तकलीफ नहीं होती है, निश्चिंत होता है। यदि हमें भी निश्चिंत मन वाला होना है, निर्भय मन वाला होना है, तो क्या करना होगा, आश्रव रहित चित्त, राग द्वेष मल विहीन मन, अकम अनवन वाहत चेतसो आहत रहित चित्त, ये स्थिति आएगी तब
निर्भयता आएगी। कुंभूपमम कायमिमम विदित्वा नगरूपमम चितम चित्तमिदम ठपेत्वा यो देत मारम पैया युदेन चित्तम चर रखे अनिवेशनो सिया। ये आठवीं गाथा है, इसके पहले हम सातवीं गाथा पढ़ रहे थे। आठवीं गाथा में तथागत बुद्ध कहते हैं काय मिमम कुंभूपमम काय मिमम विदित्वा इमम कायम इस काया को कुंभूपमम कुंभम उपमम कुंभ घड़ा उपमम की तरह उसकी उपमा उसकी तुलना मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह क्षणभंगुर इस काया को किस रूप में देखना है मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह क्षणभंगुर विदित्वा जानकर चित्तमिदम इदम चित्तम इस चित्त को नगर उपमम नगर उपमम नगर की तरह अभेद्य किला से सुरक्षित नगर की तरह एक ऐसा नगर जिसके चारों तरफ किला हो तो अपने चित्त के को एक प्रकार से क्या मानना है अभेद्य किला ऐसा नगर जिसके चारों तरफ सुरक्षित दीवारें हैं ठपेत्वा स्थापित करो योधेत मारम पैया युधेन फिर क्या करना है पैया युधेन पैया प्रज्ञा के आयुध से ज्ञान के शस्त्र से मारम मार से काम मोह से योधेत युद्ध करो जब अब युद्ध करके विजयी हो गए जीतम जीत लिए तब क्या करना है जो आपने विजय प्राप्त कर ली है रखे रक्षा करे और आगे क्या करना है जीवन पर्यंत ध्यान क्या रखना है अनिवेशनो सिया अनि अनिवेश स्यात कहीं आसक्त न हो निवेश करना जमा करना कहीं जुड़ना ये यहां पर कह रहे हैं तथागत बुद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा क्या कहते हैं कुंभूपमम काय में विदित्वा इस देह को मिट्टी के कच्चे घड़े के समान क्षणभंगुर समझकर इस चित्त को अभेद्य किला वाला नगर स्थापित करो ठपेत्वा जैसा है ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती इसको ऐसा माने क्यों मान लें शरीर स्थिर है स्थिर तो है वो तो घड़ा भी स्थिर है घड़ा भी स्थिर है लेकिन घड़ा जैसे सदगुरु कबीर ने क्या कहा यह तन कांचा कुंभ है लिए फिरे थे साथ टपका लागा फूट गया कछु नाया हाथ